नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जुड़ जाएं चैनल के साथ। आइए शुभारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। 27 अप्रैल 2022 को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र ग्रह आनंद का ग्रह है, सुख का, प्रेम का, समृद्धि का ग्रह है। विवाह प्रेम और विवाह सुख का ग्रह है। शुक्र शानदार है, शुक्र चमकदार है, शुक्र चमक है, शुक्र धन है, दौलत है, प्रसिद्धि है, नाम है, शौहरत है, रूप है, रंग है, सौंदर्य है। शुक्र जीवन का सुख है। शुक्र नयन नक्ष है, सूर्य एक कला है, शुक्र एक अच्छी आकृति है। जीवन में रोमांच शुक्र है। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, और ये जितनी भी आप वीडियोस वगैरह देखते हैं या जितनी भी आप कला से संबंधित चीज़ें देखते हैं, ये सब शुक्र है। फिल्में शुक्र है, नाटक शुक्र है, कलाकारी शुक्र है। शुक्र खूबसूरत महिला है जिसके साथ हर इंसान वक्त बिताना चाहता है। शुक्र एक खूबसूरत महिला है जिसके साथ हर पुरुष वक्त बिताना चाहता है। शुक्र आसमान में चमकने वाला सबसे तेज सितारा है। एक ऐसा सितारा जो सैकड़ों सितारों में अलग चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है 27 अप्रैल को। कुंभ राशि से निकलकर शुक्र अपनी ही उच्च राशि मीन में होंगे। शुक्र का यह गोचर शाम लगभग 6:30 पर होगा। शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। जहां बैठते हैं वहां से सातवीं दृष्टि डालते हैं आगे वाले भाव पर। अब जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपकी झोली में शुक्र का सितारा क्या देने वाला है, आइए समझते हैं और जानते हैं। वीडियो के बीच ही बीच में उपाय होंगे तो पूरा वीडियो कान खोल कर ध्यान से सुनिएगा। आइए शुभारंभ करते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। ध्यान से देखिए अपनी इस गोचर कुंडली को। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र क्या लेकर आ रहे हैं। शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, 10वें घर में, और शुक्र उच्च के हैं। अपनी उच्च राशि में है तो मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। तो आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और कर्म स्थान पर गोचर करेंगे। मालव्य योग का सुंदर निर्माण होगा। पंच महापुरुष में से एक होता है मालव्य योग। मिथुन राशि वालों को जो भी कुछ चाहिए था शुक्र यहाँ पर देने के लिए तैयार बैठे हैं। मिथुन राशि वाले जो भी लोग अपनी नौकरी व्यापार को लेकर परेशान थे, उनके काम अब बन जाएंगे। नौकरी व्यापार से जुड़ी हुई समस्याओं का बिल्कुल अंत हो जाएगा। देश विदेश जहाँ पर भी नौकरी चाहते हैं वहाँ पर अच्छी नौकरी लग जाएगी। नौकरी में बदलाव हो जाएगा। नौकरी में, व्यापार में चल रही समस्याओं का अंत हो जाएगा। पैसे का रोटेशन बहुत अच्छा होगा। मार्केट में पैसा खूब अच्छा कमाएंगे। आपके जो कार्यस्थल पर रिश्ते थे अपने बॉस के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी योग्यता के अनुसार तुरंत लाभ प्राप्त करेंगे। सरकारी नौकरी लगने की भी बढ़िया संभावनाएं हैं। नई नौकरी लगेगी, पुरानी नौकरी की समस्याएं समाप्त होंगी। आपकी पुरानी नौकरी में वेतन वृद्धि, प्रमोशन, मनचाहा ऑफिस, मनचाही टीम आपको मिल सकती है। आपका व्यापार अब नई सीढ़ी, नई उमंग के साथ आगे बढ़ेगा। पैसों की कोई कमी नहीं होगी, नौकरी की कोई समस्या नहीं होगी। अब पैसों की और नौकरी में होने वाली परेशानियों का अंत होना तय है। अब आप जो काम पहले कर रहे थे उससे भी बेहतर जिंदगी अब आपकी होगी। कार्य क्षेत्र में जो आपने पहले कुछ काम किए, कोई धन का निवेश किया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई योजना बनाई, उनका अब बढ़िया फल भी आपको प्राप्त होगा। आपकी नौकरी व्यापार में प्रसिद्धि व मान व सम्मान मिलेगा, उच्च दर्जा मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। आप किसी नौकरी की तैयारी में है, इंटरव्यू है, कोई लिखित परीक्षा है या मौखिक परीक्षा है, आपको वहां सफलता मिलेगी। आपके काम की तारीफ होगी, लोग आपसे बहुत जल्दी मिलना पसंद करेंगे, लोग आपके काम को देखकर आपसे रिश्ते जोड़ना पसंद करेंगे। आप सभी के प्रिय होंगे और आप चुटकियों में अपने काम को निपटा लेंगे। आप शानदार जीवन जिएंगे।
बड़े प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी, सीनियर लोगों से मुलाकात होगी, काम व नौकरी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लव लाइफ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप कुछ ही दिनों में बढ़िया नौकरी, बढ़िया व्यापार और आपके साथ बढ़िया जीवन साथी का प्यार होगा या आपकी बढ़िया लव लाइफ होगी। आपके पास घर भी बढ़िया होगा, गाड़ी भी बढ़िया होगी, सारी सुख सुविधाएं भी होंगी, घूमना फिरना मौज मस्ती भी होगा। इन दिनों में आप सिर्फ पैसे और प्रसिद्धि के लिए काम करेंगे, आपका दो ही लक्ष्य होगा, पैसा और प्रसिद्धि यानी नाम। पैसा और नाम कमाने के पीछे आप भागेंगे, दुनिया की और किसी चीज से आपको कोई खास मतलब होगा नहीं। कई बार आप लालची हो जाते हैं, आप ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लालची हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है, ये आपकी आदतों को भी बिगाड़ेगा और सेहत को भी बिगाड़ेगा। जब आप सफल होंगे तो सभी दुनिया की खुशियां आपके पास होंगी, हर चीज आपके इशारों पर पूरी हो जाएगी, सब कुछ आप नियंत्रण में करना चाहेंगे। देखिए, सफलता जब इंसान को मिलती है तो उसको घमंड भी आता है। अब घमंड में आदमी क्या करता है कि बस मैं हूँ तो सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि मैं सफल हूँ। घर में चार लोग रहते हैं और आप सबसे ज्यादा सफल हैं तो क्या करेंगे, आप सबको अपने नीचे अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे, पैसे का रौब दिखाएंगे, यही क्रोध घमंड अहंकार आपको परेशान कर सकता है। तो आपको सब कुछ अपने नियंत्रण में नहीं रखना है, आप अपने काम करिए, घर वालों को अपने काम करने दीजिए। विवाह हो गया है तो जीवन साथी का साथ, देखिए बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर शादी हो गई है तो जीवन साथी का साथ ही आपको तरक्की दिलाएगा। अगर आपने रिश्तों में विश्वासघात किया, जीवन साथी का अनादर किया तो तरक्की नहीं होगी। व्यापारियों को लाभ मिलेगा, शनि संबंधी काम और गुरु संबंधी काम जो लोग भी करते हैं उनके काम बहुत बढ़िया चलने वाले हैं, बहुत बढ़िया लाभ होने वाला है। आपके प्रेम संबंध सफल रहेंगे, टेंट हाउस, फोटोग्राफी, मेकअप आर्टिस्ट, डिजाइनर, फूल का काम, ज्वेलरी का काम, या कहें आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम या फिर सजावट का काम, इन सब चीज़ों, खाने का काम जो भी लोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम, डिजाइनर में बहुत सारे काम आ जाते हैं, जो भी लोग करते हैं बढ़िया चलेगा। कोई वाहन दुर्घटना हो सकती है, आपके वाहन को चोट लग सकती है, लेकिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इतनी होगी कि आपको चोट नहीं लगेगी। आपको सफलता का नशा चढ़ेगा और नशे में आप किसी बुरी आदत का शिकार हो सकते हैं और ये आपको हानि देगा। सफलता हद से ज़्यादा मिलेगी, कामयाबी बहुत मिलेगी, तो ऐसे में कई बार आप अपनी पत्नी या प्रेमिका पर शक कर सकते हैं और आप अपने चरित्र को भी दागदार बना सकते हैं। शराब, मांस, मछली, अंडे बिल्कुल ना खाएं। आपको अपनी पत्नी के जो निजी अंग हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स और आपकी पत्नी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन अंगों को दूध से धोना चाहिए और फिर स्नान कर लेना चाहिए, ये आपके लिए उपाय है। अपने घर आए मेहमानों को, जो भी लोग आपके घर आते हैं या ऑफिस में आते हैं, उनको अच्छी तरीके से बिठाइए, उनसे बातचीत करिए, खिलाइए पिलाइए और खुश होकर उनको भेजिए, आपका और तरक्की का रास्ता खुलेगा। शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर होगी तो आपको शुक्र धनी और ऐश्वर्यवान बनाएंगे। सामाजिक सेवा आप करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। दसवें घर में मालव्य योग का बनना आपकी हर खुशी में चार चांद लगा देगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह बहुत ही बढ़िया वक्त रहेगा। सोशल मीडिया, होटल, हवाई सेवा से जुड़े लोग, खान पान से जुड़े लोगों के लिए विशेष तरक्की का वक्त होगा। ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया वक्त होगा। जो भी लोग वीडियोज़ वगैरह अपलोड करके पैसा कमाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वक्त होगा। आप आसानी से सफलता पा लेंगे, विपरीत लिंग को आकर्षित कर लेंगे, जनता में अपने नाम की छाप छोड़ेंगे। जिंदगी अच्छी चलेगी, परिवार अच्छा चलेगा, जिंदगी में छोटे बड़े सुख आपको मिलते चले जाएंगे, लग्जरी लाइफ होगी, आपकी पत्नी आपसे दिल खोल कर प्यार करेगी। पत्नी का व्यापार, अगर आपकी पत्नी कोई व्यापार करती है तो पत्नी का व्यापार भी खूब फलेगा फूलेगा। मिथुन राशि की महिला पुरुष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। साथ में गुरु भी बैठे हुए हैं तो आपकी सफलता में गुरु की गारंटी भी शामिल हो रही है, यानी कुछ भी हो शुक्र आपको इस गोचर काल में खुशहाली ही खुशहाली देंगे। बीच में मैंने एक दो उपाय भी बताए थे, उपायों को कर लीजिएगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति बेहतर है तो मिथुन राशि वालों के लिए
अब वक्त बदल चुका है, अब खुशियों का वक्त आ गया है, इसको एंजॉय करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं है तो उनको सुधारने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जांच कराएं, वरना ये बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से निकल सकता है। नमस्कार।